अब इसके बाद नंद महल में एक उत्सव चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव है। तो यशोदा मैया की नजर पड़ती है कि जो ठाकुर जी हैं वो थक गए हैं, श्री कृष्ण थक गए हैं, तो वो उनकी गोद में ही सो गए हैं। अब मैया सोचती है कि उत्सव का घर है, यदि मैं कन्हैया को पालने में सुलाऊंगी तो कोई भी आएगा गोद में उठाएगा खेलने लगेगा, इसलिए काम करती हूँ मैं लाला को सकट के नीचे सुला देती हूँ। अब सकट क्या, पहले के समय में जिसके ऊपर दूध दही माखन की बड़ी बड़ी हांडियाँ रखी जाती थी उसको सकट बोलते थे। तो मैया श्री कृष्ण को सकट के नीचे सुला देती हैं। अब कुछ समय बाद वहाँ पर सक्तासुर नाम का राक्षस आता है जो कि पूतना का भाई है। अब सक्तासुर देखता है कि मुझे एक इतने से बालक को मारने के लिए भेजा है। राज सक्तासुर बहुत जोर से हंसता है, सोचता है कि यदि मैंने इस बालक के ऊपर अपने पैर का अंगूठा ही रख दिया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब भगवान को तो पहले से पता चल चुका है कि सक्तासुर नामक राक्षस आने वाला है। तो कुछ समय बाद ही भगवान की नींद खुलती है। अब बहुत जोर से भूख लगी है लेकिन महाराज कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब उत्सव में लगे हैं। तो भगवान को क्रोध आ रहा है। भगवान कहते लो हमारे लिए उत्सव रखा है, हम पे ही कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो भगवान क्रोध में आकर के अपने पैर का अंगूठा चूसने लगे। उतने में ही वो सक्तासुर नामक राक्षस प्रहार करने आता है। तो जैसे ही वो भगवान पर प्रहार करने आया है तो भगवान उस सकट पर हल्का सा स्पर्श देते हैं। जैसे स्पर्श दिया तो वो पूरा का पूरा सकट पलट करके गिर जाता है सक्तासुर पर और सक्तासुर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे भगवान ने कई सारे राक्षसों का वध किया है। अब कुछ समय बाद ही यशोदा मैया श्री कृष्ण आंगन में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो भगवान को लग रहा है कि मानो कोई राक्षस फिर से आ रहा है। तो त्रिणावत नाम का एक राक्षस बुलबुले के आकार में चला आ रहा था भगवान का वध करने के लिए। तो यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं, तब भगवान अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब इतना वजन बढ़ा लिया है कि यशोदा मैया सहन नहीं कर पा रही है। कहती है लाला तो एकदम से बड़ा भारी लग रहा है। भगवान को नीचे उतार दिया, यहीं बैठ, मैं जाती हूँ रसोई करके थोड़े बहुत कामकाज करके आती हूँ। तो उतने में ही वो राक्षस आता है। अब जैसे ही वो राक्षस आया बुलबुले के आकार में, तो भगवान को उस बुलबुले के अंदर बैठा लिया है और लेकर के चला गया है। अब महाराज यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने देखा कि लाला कहीं नहीं दिख रहा, पूरे आंगन में देख लिया। यशोदा मैया घबरा गई है, जोर जोर से आवाज लगा रही है कन्हैया कन्हैया। तो ठाकुर जी को आवाज सुनाई दे गई है, तो बड़े जल्दी में उस राक्षस को मार रहे हैं। उसके गले को इस तरह से दबाते हैं कि उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। कस के गले को दबाया है और क्षण भर में भगवान उस राक्षस का भी वध कर देते हैं। तुरंत मथुरा में फेंका और वापस दौड़े दौड़े चले आए।